ग्रीटिंग्स स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट के बारे में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में रिट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन सी वेरियस प्रोविजंस दी गई हैं, हम उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं। रिट्रेंचमेंट मीन्स द डिस्चार्ज ऑफ सरप्लस लेबर और स्टाफ by the employer for any reasons whatsoever otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action। रिट्रेंचमेंट का क्या मतलब होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 00 जो है वो रिट्रेंचमेंट की जो डेफिनेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉयर के द्वारा सरप्लस लेबर और सरप्लस स्टाफ को काम से निकाल देना, उसको डिस्चार्ज कर देना किसी भी कारणवश, उसे हम रिट्रेंचमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें रिट्रेंचमेंट में अगर एम्प्लॉयर जो है वर्कर को किसी पनिशमेंट के तौर पर काम से निकाल रहा है या किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के लेने के लिए काम से निकाल रहा है तो उसे रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाता। बाकी और कोई भी रीजंस के कारण अगर एम्प्लॉयर जो है सरप्लस लेबर और स्टाफ को काम से निकाल रहा है तो उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। सरप्लस का मतलब है जितनी लेबर एम्प्लॉयर को चाहिए, अगर लेबर उससे ज़्यादा है, उससे अधिक है तो उसको काम से निकालना। अभी हम ये पढ़ेंगे कि रिट्रेंचमेंट में कौन कौन सी जो है डिस्चार्ज इंक्लूड नहीं किया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई वर्कर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसे रिट्रेंचमेंट में नहीं माना जाता। सेकंड है रिटायरमेंट ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन। अगर सुपर एनुएशन की एज पर पहुँच कर किसी वर्कर को रिटायरमेंट दे दी गई है तो उसे भी रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाता। थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू द नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एम्प्लॉयर ने वर्कर जो को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम पर रखा है और एक साल कंप्लीट होने पर अगर एम्प्लॉयर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं कर रहा तो इस कारणवश भी जो वर्कर की जॉब चली जाएगी तो उसे भी रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाता। एंड फोर्थ है कंटिन्यूड इल हेल्थ। अगर वर्कर लगातार बीमार है, उस कारण वो जॉब पर नहीं आ पा रहा तो उस कारण भी अगर उसे जॉब से निकाला जाता है तो उसे भी रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाता। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें सर्विस की टर्मिनेशन जो है रिट्रेंचमेंट मानी जाती है। पहला है डिस्चार्ज ऑफ अ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज फेलियर टू पास द कंफर्मेशन टेस्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जब वर्कर को रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद उसका एक टेस्ट लिया जाता है। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसको जो है कन्फर्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर वर्कर उस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा, कन्फर्मेशन टेस्ट को उसने पास नहीं किया, उस वजह से अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है तो उसे रिट्रेंचमेंट ही माना जाएगा। सेकंड है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर अनऑथोराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम अ ड्यूटी। अगर वर्कर ने जो है अनऑथोराइज्डली वो एब्सेंट है, ड्यूटी पे नहीं आ रहा और उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ रिसेशन एंड रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क। क्या है कि काम रिसेशन के कारण, जैसे इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है तो रिसेशन के कारण जो है काम जो है कम हो गया है, उस कारण अगर वर्कर कोई सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनर फॉर अनसुटेबिलिटी। जैसे कि कुछ वर्कर्स को प्रोबेशन पे रखा जाता है कि उसका काम देखकर ही उसे कंफर्म किया जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोबेशन ये देखा गया कि वो वर्कर जो है काम के लिए सुटेबल नहीं है और उस कारण अगर उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसे भी रिट्रेंचमेंट ही माना जाएगा। फिफ्थ है कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन अमाउंटिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, जिसमें क्या है कि वर्कर को कंपल्सरी है कि उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिटायरमेंट कर दी गई है तो उसे भी रिट्रेंचमेंट ही माना जाएगा। बिफोर रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, अभी वो जो है रिटायरमेंट की एज पे पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही उसे रिटायर कर दिया गया है।
नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ बदली वर्कर हु हैड वर्कड फॉर मोर देन अ 240 डेज. जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बदली वर्कर उस वर्कर को कहते हैं जो कि फैक्ट्री में किसी और वर्कर की जगह पर काम कर रहा हो, उसे बदली वर्कर कह रहे हैं. अगर किसी बदली वर्कर ने 240 डेज से ज़्यादा काम कर लिया हो और उसके बाद उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाए तो उसे भी रिट्रेंचमेंट ही कहा जाएगा. अब हम पढ़ेंगे कि वैलिड रिट्रेंचमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25F कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि एम्प्लॉयर को फुलफिल करनी पड़ेंगी. और ये कंडीशन सिर्फ उन वर्कर्स पर अप्लाई होती हैं जिन वर्कर्स ने कम से कम एक साल कंटिन्यूस सर्विस जो है उस फैक्ट्री में की हो. सबसे पहली कंडीशन है 1 month नोटिस. इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है अगर वो किसी वर्कर को रिट्रेंच करना चाहता है तो उसे उस वर्कर को पहले 1 महीने का रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस में उसको मेंशन भी करना पड़ेगा कि किन रीजंस के कारण उसको रिट्रेंच किया जा रहा है, काम से निकाला जा रहा है. और जब ये 1 month नोटिस एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही उसको रिट्रेंच किया, वर्कर को रिट्रेंच किया जा सकता है. अगर एम्प्लॉयर वर्कर को इमीडिएटली रिट्रेंच करना चाहता है तो उसके लिए उसे फिर 1 month की जो है उसे एवरेज पे देनी पड़ेगी. सेकंड जो कंडीशन है वो है कंपनसेशन. अगर वर्क एम्प्लॉयर किसी वर्कर को रिट्रेंच कर रहा है तो उसे उस वर्कर को रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन देना पड़ेगा. वो कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने जितने भी साल कंटिन्यूस सर्विस की है हर एक साल के पीछे उसको 15 days की एवरेज पे एज अ कंपनसेशन दी जाएगी. अगर उसने एक साल कंप्लीट किया है तो उसको 15 days की एवरेज पे मिलेगी, अगर 2 साल कंप्लीट किए हैं तो 30 days बन जाएंगे, अगर 3 years कंप्लीट किए हैं तो 45 days बन जाएंगे. और अगर किसी साल उसने जो है 6 months से ज़्यादा काम किया है लेकिन पूरा साल कंप्लीट नहीं किया तो वो 6 months से ज़्यादा जो है उसकी सर्विस है उसको भी 1 साल ही काउंट किया जाएगा. और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नोटिस भी भेजना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर रिट्रेंचमेंट करने जा रहा है और वो किन रीजंस के कारण वो रिट्रेंचमेंट करने जा रहा है. नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर द रिट्रेंचमेंट. सेक्शन 25G है प्रेस्क्राइब कर रहा है कि रिट्रेंचमेंट करने के टाइम पर एम्प्लॉयर को कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा. सो एम्प्लॉयर को प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम लास्ट गो और लास्ट कम फर्स्ट गो जो है उसे अपनाना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है कि जो वर्कर सबसे एंड में, जो वर्कर सबसे नया है उसकी फैक्ट्री में, रिट्रेंच करने का टाइम पे सबसे पहले उस वर्कर को निकाला जाएगा और जो वर्कर सबसे पुराने हैं उनको सबके एंड में देखा जाएगा अगर रिट्रेंच करना है तो. तो ये प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना एम्प्लॉयर के लिए कंपल्सरी है. लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो इस प्रोसीजर से, इस प्रिंसिपल से डेविएट भी कर सकता है. मतलब वो जो है कि जो वर्कर बाद में आए हैं लेकिन वो क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तो एम्प्लॉयर चाहे तो उनको निकालने की बजाय उनके सीनियर जो हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, अगर वो अनसूटेबल हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है, तो वो एम्प्लॉयर चाहे तो सीनियर को भी जो है काम से पहले निकाल सकता है. मतलब सीनियर को की रिट्रेंचमेंट भी पहले की जा सकती है. नेक्स्ट है रिट्रेंच्ड वर्कर की रीएम्प्लॉयमेंट. अगर एम्प्लॉयर किसी नए वर्कर को अपॉइंट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले
जिन वर्कर्स को रिट्रेंच किया है उन्हें सबसे पहले उन वर्कर्स को जो है अपॉर्चुनिटी देने पड़ेगी, उन्हें पहले जॉब ऑफर करनी पड़ेगी। वो किसी भी नए वर्कर को ज्वाइन नहीं करा सकता। सो ये भी एक रूल है जो कि अंडर सेक्शन 25H है कि अगर एम्प्लॉयर दोबारा से कुछ वर्कर्स को रखना चाहता है तो उन्हें उसे अपने पहले रिट्रेंच किए हुए वर्कर्स को ही ज्वाइन कराना पड़ेगा, पहले उनको मौका देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिट्रेंचमेंट। अभी कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि उन इंडस्ट्रीज में इंप्लीमेंट हो रही हैं जिस इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, एंड सेकंड जो इंडस्ट्री सीजनल नेचर की ना हो। सो उन इंडस्ट्रीज़ को रिट्रेंचमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी वो स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है 3 मंथ नोटिस। जैसे वैसे कंडीशन तो 1 मंथ नोटिस की है, लेकिन इस केस में इंडस्ट्री को अपने वर्कर को रिट्रेंच करने से पहले 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा रिटर्न में, और उसमें रीजंस भी मेंशन करने पड़ेंगे कि उसको क्यों रिट्रेंच किया जा रहा है। और अगर वो वर्कर को बिना नोटिस दिए रिट्रेंच करना चाहता है, इमीजिएटली रिट्रेंच करना चाहता है, तो उसे उस टाइम पीरियड की 3 मंथ की उसे जो है वेजेस देनी पड़ेंगी। एंड सेकेंड है प्रायर परमिशन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन इंडस्ट्रीज़ में रिट्रेंचमेंट करने से पहले एम्प्लॉयर को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से या उन अथॉरिटीज से जिससे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया हुआ है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन करके, उनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड सेकेंड प्रोविज़न है एप्लीकेशन फॉर परमिशन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। इस परमिशन को लेने के लिए एम्प्लॉयर को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में क्लियरली रीजंस मेंशन करके रिट्रेंचमेंट के एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और इस एप्लीकेशन की एक कॉपी वो उस वर्कर को भी भेजेगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जिस वर्कर को वो रिट्रेंच करना चाहता है। नेक्स्ट है ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट द परमिशन। अभी जब परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दी जाएगी गवर्नमेंट को या उसकी द्वारा स्पेसिफाइड की गई अथॉरिटी को, तो गवर्नमेंट उसकी इंक्वायरी करेगी कि क्या वो ठीक है, और वो दोनों पार्टीज़ को, एम्प्लॉयर को भी और वर्कर को भी अपॉर्चुनिटी देगी, उनकी बात सुनेगी, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये रिट्रेंचमेंट जेन्युइन है, ये रिट्रेंचमेंट जो है उस जो रीज़न दिए गए हैं रिट्रेंचमेंट के वो रीजंस एडिक्वेट हैं, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है परमिशन का रिट्रेंचमेंट के लिए। और अगर गवर्नमेंट को नहीं लगता कि ये रिट्रेंचमेंट जेन्युइन नहीं है तो वो परमिशन देने से रिफ्यूज़ भी कर सकती है। नेक्स्ट है परमिशन अप्लाइड फॉर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। अगर परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को विदिन 60 डेज उस एप्लीकेशन का जो है उसका रिजल्ट जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसका परमिशन दी गई है या परमिशन नहीं दी गई है, ये 60 डेज में जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। और अगर विदिन अ 60 डेज गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट नहीं किया, तो जब 60 डेज ख़त्म हो जाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि रिट्रेंचमेंट के लिए परमिशन जो है वो दे दी गई है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज एंड रिमेन्स इन अ फोर्स फॉर अ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सच अ ऑर्डर। अभी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, चाहे परमिशन दे दी गई है या फिर परमिशन नहीं दी गई, जो भी ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर फाइनल माना जाएगा और वो ऑर्डर जो है सभी पार्टीज़ को मानना पड़ेगा, और जिस डेट को वो ऑर्डर पास किया गया है वो उस डेट से नेक्स्ट 1 ईयर जो है वो इम्प्लीमेंट रहेगा। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड रेफरेंस ऑफ मैटर टू अ ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि चाहे एम्प्लॉयर ने उसको एप्लीकेशन दी है या वर्कर ने उसको एप्लीकेशन दी है, कि जो भी उसने ऑर्डर दिया है अगर गवर्नमेंट को लगता है तो गवर्नमेंट उसे दोबारा से रिव्यू भी कर सकती है, और या फिर उस मैटर को ट्रिब्यूनल को भी रेफर कर सकती है फॉर द एडजुडिकेशन। द लास्ट वन इज़ अ इलीगल रिट्रेंचमेंट। अगर
एम्प्लॉयर ने बिना परमिशन लिए गवर्नमेंट से रिट्रेंचमेंट की है या फिर उसने जो है बिना इन प्रोविजंस को फॉलो किए रिट्रेंचमेंट की है, बिना नोटिस दिए रिट्रेंचमेंट की है, तो उसे इलीगल रिट्रेंचमेंट माना जाएगा। एंड लास्ट में है पेनल्टी फॉर रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रीवियस परमिशन। अगर एम्प्लॉयर बिना प्रीवियस परमिशन के रिट्रेंचमेंट कर रहा है तो उसे इलीगल रिट्रेंचमेंट माना जाएगा और उसके लिए एम्प्लॉयर को पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उसको फाइन भी हो सकता है। जो इम्प्रिजनमेंट होएगी उसको वो मैक्सिमम 1 मंथ की होएगी और जो उसको फाइन देना पड़ेगा वो मैक्सिमम 1,000 रुपया देना पड़ेगा, 1,000 देना पड़ेगा, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट जो प्रोविजंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्ट 1947 में दी गई हैं रिट्रेंचमेंट के बारे में, ये सारी प्रोविजंस मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की है। थैंक यू।